और अब वक्त सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, दही खाने का क्या सही समय है और क्या सही तरीका है? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आम तौर पर जो दही को बहुत हेल्दी समझा जाता है, मैं तो कई बार ही देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी कई बार जाते हैं तो वहाँ जो खाने की प्लेट जो रोगियों के लिए आती है उसमें दही जरूर देते हैं वहाँ पर। तो एनीवे उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि दही जो है वो कूलिंग होती है, गर्मियों में लोग दही खाते हैं कि दही से ठंडक आएगी। अब आयुर्वेद में क्या लिखा है, और आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा, आप प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे आपको समझ आएगा। आयुर्वेद के अनुसार दही जो है वो खट्टा तो है, डेफिनेटली खट्टा होता है उसमें, क्योंकि उसमें जो खटास डाली जाती है, एसिडिक होता है, एसिडिटी भी को बढ़ाता है। उष्ण यानी कि तासीर इसकी गर्म होती है, ठंडी नहीं होती इसकी तासीर। देर से पचता है, ये ज़रा ध्यान से सुनने वाली बात है, जब आप दही खाएंगे तो ऐसा नहीं कि इतना ईजीली पच जाएगा, और देर से पचेगा तो भारीपन पैदा करेगा शरीर के अंदर, हम अपनी भाषा में कहें तो कफ और पित्त को बढ़ाता है। और जो इसको आयुर्वेदिक भाषा तो मैंने समझाई, थोड़ा सरल भाषा में कहें तो अगर दही आप खा रहे हैं तो वो आपके चैनल्स में ब्लॉकेज भी पैदा करेगा, आपका वजन भी बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ जो है जो हम कहते हैं आयुर्वेद में कि ये उष्णता को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा। तो जो आपने पूछा कि इसका सही तरीका क्या है, तो दही को लीजिए, एक हिस्सा दही, उसमें दो गुना पानी, टू पार्ट्स वाटर, उसमें मिला करके मिक्सी में डाल करके थोड़ा घुमाइए अच्छी तरह से, यानी कि आपकी बन गई बढ़िया पतली सी लस्सी कहिए, उसको छाछ कहिए, जो भी कहें। उसमें आप ऐसे भी पी सकते हैं उसको, आप चाहें उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, उसका पेस्ट बना के वो मिलाइए, थोड़ा काला नमक भी डालते हैं लोग कई बार, उसका आप सेवन कर सकते हैं। कभी मौसम बहुत ठंडा है तो उसमें तड़का भी लगाते हैं लोग, थोड़ा सा जीरा भून के उसमें तड़का लगा देते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन दही का जो सेवन आपको बहुत ध्यान से करना है, दही को बहुत अच्छा, हमारे आयुर्वेद में इतना हेल्दी नहीं माना जाता है। स्पेशली अगर रात को आप दही खाते हो तो बहुत गलत है, क्योंकि ये आपके जोड़ों में दर्द भी बढ़ाएगा, आपका वजन भी बढ़ाएगा, आपके चैनल्स में ब्लॉकेज भी पैदा करेगा। और इसका सेवन एक और तरीका है अच्छा है उसका, जो अगर आपको डायरिया है, लूज मोशन लगे हुए हैं, तो फिर दही चावल आप खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर बाइंडिंग करता है। तो इस तरह से मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं, दही को कैसे खाना चाहिए और किस तरह से इसको नहीं खाना चाहिए। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिए, डेफिनेटली हम यही कामना करते हैं आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।